जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। सो ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वैल्यू चेन और कुछ बातें जो पिछली वीडियो के हवाले से मैं जरा फिर आपके सामने क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। इसके हवाले से जो हमने अभी ये कॉन्सेप्ट वी आर आई ओ का फ्रेमवर्क डिस्कस किया था, ये थ्योरी है रिसोर्स बेस्ड व्यू। और रिसोर्स बेस्ड व्यू से मुराद हमारी ये कि ऐसे रिसोर्स जो कि वैल्यूएबल होंगे, रेयर होंगे, इनलिमिटेबल होंगे और ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कॉम्पिटेंसी क्रिएट होगी उनकी बेस के ऊपर और उस कॉम्बिनेशन की बेस पे, उनके रिलेशनशिप की बेस पे। और ये कॉम्पिटेंसी जो है, ये डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी जब क्रिएट होंगी तो एक उसके लिए कंपनी के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज होगी। भारत ये जो इनका रिलेशनशिप है आपस में रिसोर्सेज का और कॉम्पिटेंसीज का, ये कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे का कनेक्ट होते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उनके अंदर भी रिजाइड करते हैं। लेकिन किसी एक फंक्शनल डिपार्टमेंट में हम नहीं कह सकते कि उसके रिसोर्सेज, उसके जो एसेट्स हैं या रिसोर्सेज हैं और कॉम्पिटेंसीज हैं वो रिजाइड करती हैं, बल्कि ओवरऑल भी कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती है, कॉम्पिटेंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि तमाम ऑर्गेनाइजेशन को कर रही होती है कवर। और जो भारत जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बाकी सारे तमाम डिपार्टमेंट जो उनके कोर डिपार्टमेंट हैं उनको सपोर्ट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन के दौरान हम वैल्यू चेन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और लेट मी शेयर स्लाइड विद यू। और मैं अपनी वीडियो क्लोज कर लेता हूं ताकि उसकी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन बेहतर हो जाए। अच्छा, ये वैल्यू चेन का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट रेफर टू द आइडिया दैट द कंपनी इज अ चेन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज एंड वैल्यू इज एडेड टू ईच स्टेज इन द चेन। Valuable, rare, inimitable resources can be found within one or more of the company that you selected. तो ये आप देख सकते हैं कुछ इसकी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, कुछ इसकी सपोर्ट एक्टिविटीज हैं। तो वैल्यू चेन जो है वो बुनियादी तौर पर ये है कि जो कि कंपनी की कॉम्पिटेंसीज हैं या एसेट्स हैं वो एक किसी फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर रिजाइड नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ फंक्शनल डिपार्टमेंट उसके अंदर वैल्यू एडिशन क्रिएट करते, जिसकी वजह से एक आउटपुट जो होता है वो एक ऐसा आउटपुट है जो कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ वैल्यूज क्रिएट करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो आउटपुट जो है वो एक डिस्टिंक्टिव एडवांटेज क्रिएट करता है, कंपेरेटिव एडवांटेज क्रिएट करता है फॉर द कंपनी। ओके, so one need to understand that what is the relationship of the functional department with the resources and what is the relationship of these functional department with the distinctive competencies of the various departments, which departments have those kind of distinctive competencies or capabilities through which they are adding a value in the product or wo value jo add kar rahe hain iski wajah se wo jo aapke output hai ya product or service hai वो डिफ्रेंसिएशन जो है वो क्रिएट करता है। पोर्टर्स 1985 में वैल्यू चेन एज अ यूजफुल फ्रेमवर्क टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ फर्म्स, द रिसोर्सेज एंड द कॉम्पिटेंसीज। द वैल्यू चेन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ईच एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट आर यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म इट। The value chain distinguishes between primary activities which are directly involved with the provision of the product or service and support activity which have an indirect role in assisting the performance of the primary activity. So, आप देख सकते हैं आपको R&D, production, marketing and sale, customer service, these are the primary activities, support activity में company infrastructure, information system, material management और ह्यूमन रिसोर्सेज आपको सपोर्ट एक्टिविटीज में आएगा। उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय द प्राइमरी एक्टिविटीज? प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच इंक्लूड द डिजाइन, क्रिएशन, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट,
the product's marketing and its support and after sales service. Or as you see in the figure 3.5, the primary activities are broken down into four functions: research and development, production, marketing, and sales and customer service. तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है अगर आप उसको देखें R&D जिसको हम कहते हैं R&D एक्टिविटीज इंक्लूड डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस सुपीरियर प्रोडक्ट डिजाइन इंक्रीज द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी एंड एड वैल्यू एप्पल के केस में अगर वो कई एक्टिविटीज हैं जो कि R&D के नतीजे के अंदर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट आते हैं आप डिजाइन फीचर देख लें आईफोन के या कोई नई प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं due to the R&D activity of the company. उस R&D activity की वजह से जो है वो product के जो design है और उसका जो ये process में भी हो सकता है Toyota का lean production system है वो process है R&D का नतीजा है और ये product के development में भी R&D की जरूरत है R&D भी एक value addition create कर सकते हैं और company की कोई ऐसी competency है जो R&D में है तो वो भी value addition का सबब बनती है फिर production And production basically refers to the process by which inputs are transformed into outputs. For a manufacturing firms, that includes machining, assembly, testing, packing. For a service firm, for instance, the retail bank, this would include the collection of customer deposits and disbursement of withdrawals at cash counters or ATM machines and keeping record. Of bank balances, it all comes under the heading of the production. So, if a company is performing its activity efficiently, the production function of the company helps to lower its cost structure. And the production function can also perform its activity in a way that is consistent with a high product quality, which leads to differentiation and lower costs. Here is the marketing and sales. And these activities inform potential customers of the availability and characteristics of the product or service, including inducing and facilitating purchases through public relations, marketing, advertising, and personal sales. So, marketing ke ye sare function hai. And that can it can create value by discovering customer needs and communicating them back to the R&D function of the company. Which can then design products that better match those needs of the customer. Then a customer service, and customer service is a role of service function of an enterprise. It is to provide after-sales service support. This function can create superior utility by solving customer problem and supporting customer after they have purchased the products. अब हम support activities की तरफ आते हैं. And support activities of the value chain provide inputs that allow the primary activities to take place. These activities are broken down into a four function: material management or logistics, human resources, information system, and company infrastructure. The material management में जिसको हम logistics कहते हैं इसमें inbound logistics हैं, outbound logistics हैं, and that function controls the transmission of physical material through the value chain. From procurement through production and into the distribution. The efficiency with which this is carried out can significantly lower cost, thereby creating more profit. Procurement, yani inbound logistics, कैसे आप जो है आ रहे हैं जो raw material है वो कैसे आ रहा है फिर outbound logistics कैसे distribute हो रहा है कहाँ storage हो रही है कैसे packing delivery हो रही है और इस example या service industry में या entertainment और hospitality industry के अंदर This would include activities linked to bringing the customer to the service venue, theater, sports venue, hotel or restaurant, such as special transportation service or the provision of the dedicated car parking. These kind of the things for service industry के लिए logistics के अंदर आ जाते हैं. फिर human resources हैं that include recruiting, hiring, managing, training, developing, and rewarding the employees in the organization. Then the information system. What kind of a knowledge and the technologies associated with the delivery of the firm's products and services or isme hum information system mein electronic system for managing inventory tracking sales pricing products selling products dealing with the customer service inquiries and so on so
information systems are coupled with the communication systems, or internet are holding out the promise of being able to improve the efficiency and effectiveness with which a company manages its other value creation activities. Then a company infrastructure and that company-wide context within which all the other value creation activities occur, an organizational structure, control system, incentive system, company culture. तो आप इसको ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का ही एक नाम दे दें, ये तमाम तरीके उसमें तमाम स्ट्रक्चर कंट्रोल सिस्टम रिवॉर्ड सिस्टम ये सारी चीज़ें शामिल होते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और जो टॉप मैनेजमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी का बनाती है जो कि बाकी जो वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करता है, पूरे का पूरा कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सपोर्ट भी करता है, इंटीग्रेट भी करता है और कोऑर्डिनेट भी। ओके जी, what are the implications of the value chain analysis? The value chain analysis are useful to help manager identify the company's strength and weakness. आप देख सकते हैं मुख्य फंक्शन लेवल के ऊपर देख सकते हैं किस किस फंक्शन लेवल पे क्या किस तरह की कंपनी की जो है वो स्ट्रेंथ है, और इस तरह आप कंपनी को एनालाइज करना इंटरनली एनालाइज करने के लिए एक अच्छा टूल। अगर आपने एक रिगोरस एनालिसिस करना है एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, analyze how effectively and efficiently the activity is being performed, which would include qualitative assessment and an in-depth analysis of a quantitative data. अगर किसी बेकरी का एनालिसिस आप कर रहे हैं तो बेकरी के अंदर आप क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं बेकरी के, किस तरह के उसके ऑपरेशंस हैं, किस तरह मार्केटिंग एंड सेल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या उनकी एचआर की एक्टिविटी है, क्या कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें अगर आप क्वालिटेटिवली भी लिखें और क्वान्टिटेटिवली भी लिखें कि किस तरीके की सर्विस है, क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट आते हैं उसके। फिर बेंच मार्किंग एक्टिविटी अगेंस्ट अ सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म बाय द राइवल्स, और बेंच मार्किंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व अ कंपनी टू मेजर हाउ वेल इट इज परफॉर्मिंग अगेंस्ट ईच अदर एंटरप्राइज यूजिंग स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट डेटा। बेंच मार्किंग आप ना सिर्फ राइवल के साथ कर सकते हैं बल्कि बेस्ट प्रैक्टिस के साथ भी कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है एचआर की, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आरएनडी की, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ऑपरेशन की। जितना टोयोटा का लीन प्रोडक्शन सिस्टम था उसको बाकी कंपनियों ने बेंच मार्क किया और कैसे उन्होंने सिस्टम जहाँ पर डेवलप। So analyze how well value creation activities are performing and identify opportunities for improving the efficiency and effectiveness of those activities through process improvement methodologies. One of the famous process improvement tool is Six Sigma. Six Sigma एक efficiency और effectiveness को बढ़ाने के हवाले से operation का एक tool है। इसके अलावा लोग ISO 9000 को भी use करते हैं ताकि उनकी efficiency और effectiveness उनकी मुख्तलिफ functional departments की जो है वो बेहतर हो जाए। और जब भी मैनेजर वैल्यू चेन एक्टिविटी के फंक्शन को बेहतर करना चाहते हैं, लीडर्स बेहतर करना चाहते हैं, मैनेजर्स को एम्पावर किया जाए ताकि वो अपने फंक्शन को बेहतर कर सकें और परफॉर्मेंस को मेजरमेंट के हवाले से टाइम गोल्स दिए जाएँ जिसके अगेंस्ट जो है उनको मेजरमेंट हो सके उनके गोल्स की, और जो मैनेजर जब उनको गोल्स को मीट करते हैं तो उनको रिवॉर्ड किया जाए ताकि वो मोटिवेटेड रहें, और जब गोल्स नहीं मीट होते तो एनालाइज किया जाए कि वाई दिस इज़ सो एंड टेक करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी। तो इस तरीके से असलवादी जितने भी टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं इनके जरिए से आप जो है ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू चेन एक्टिविटी को एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करने। तो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में आपको ये टूल जो है बड़ा हेल्प करेगा। ओके, दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 3। यही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस करने थे, तो इनको आप मेरे ध्यान में रखें और अल्लाह हाफिज़।